हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज हम लोग ग्रुप बी का फर्स्ट सेमेस्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी। तो हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं, क्या क्या इसके सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले यूनिट टेस्ट में देखते हैं क्या क्या है। बेसिक इंटरनेट स्किल्स, इसमें इंटरनेट के बारे में डीपली बताया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर, इफिशियंट यूज ऑफ सर्च इंजन, अवेयरनेस अबाउट डिजिटल पोर्टल इंडिया, मतलब ब्राउजर के बारे में, सर्च इंजन के बारे में और डिजिटल पोर्टल इंडिया। जैसे डिजिटल इंडिया आज हम लोग के प्रधानमंत्री बनाने का बोल रहे हैं कि हम लोग का इंडिया डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो उसके बारे में भी कुछ बताया जाएगा और कॉलेज पोर्टल्स के बारे में बताया जाएगा और कंप्यूटर्स के जो बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं उसके बारे में भी डीपली थोड़ा बताया जाएगा। सेकंड चैप्टर सेकंड में आते हैं, यूनिट सेकंड में आते हैं, तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ ओएस इंस्टॉलेशन है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है इसके बारे में बताया गया। मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेनली पीसी में यूज होते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा जो देखते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है एमएस विंडोज। जितने भी पीसी में देखते हैं, भाई पूछते हैं तुम्हारे पीसी में कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो बोलता है मेरे पीसी में एमएस विंडोज। अपने रिलेटिव से पूछो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एमएस विंडो है, जिसके मतलब फेमस है एमएस विंडोज। लेकिन हाँ, और भी बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स शेल्स एंड कमांड्स, वीआई एडिटर, मतलब ये बताया गया है क्या कि कमांड्स के बारे में, यूनिक्स शेल के बारे में और वीआई एडिटर के बारे में बताएगा। यूनिट थ्री में आते हैं तो एचटीएमएल 4, सीएसएस, मेकिंग बेसिक पर्सनल वेब पेज, यानी कि इसमें पर्सनल वेब पेज बनाने के लिए बताएगा, प्रोग्रामिंग करने के लिए बताएगा। यूनिट फोर में आते हैं तो ऑफिस टूल्स के बारे में, जैसे कि ओपन ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि अपने जो प्रेजेंटेशन है उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बनाना है, किस तरह से क्या करना है, उसमें यूनिट फोर में आपको डीपली बताया जाएगा। और यूनिट फाइव में आते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो प्रैक्टिसेस करने से होता है। क्लास स्ट्रक्चर, इसमें ये बोल रहा है क्लास स्ट्रक्चर विल ओनली इंट्रोड्यूस द टॉपिक और डेमोंस्ट्रेट द टूल, मतलब यहाँ यही बोल रहा है कि क्लास लेक्चर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है किसी भी चीज़ से, बता सकता है किसी भी चीज़ को, लेकिन आपका जो असली लर्निंग होगा, एक्चुअल लर्निंग होगा, वो सिर्फ लैब में रेगुलर प्रैक्टिस करने से होगा। ये नहीं कि एक बार किए छोड़ दिए, नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करने से होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस सेमेस्टर का पहला चैप्टर, बेसिक इंटरनेट स्किल्स। बेसिक इंटरनेट स्किल्स, नाम से ही पता चल रहा है क्या कि हम लोग जो है इंटरनेट को आज शुरू से अंत तक जानेंगे कि आखिरकार इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट लिंक्स टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क, यानी कि ये बोल रहा है कि जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल कम्युनिकेशन है, यानी कि ग्लोबली स्प्रेड है, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क, हजारों, एक दो नहीं, हजारों इंटरनेट नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, यानी कि यही बोल रहा है यहाँ पे क्या कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का नेटवर्क जो है आपस में इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है, वो इस चीज़ को अलाउ करता है। इंटरनेट हम लोग को मैसेज करने में हेल्प करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने में हेल्प करता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस करने में हेल्प करता है, मेल करने में हेल्प करता है, कुछ डाउनलोड करने में हेल्प करता है, कुछ सर्च करने में हेल्प करता है, कुछ वेबसाइट्स खोलने में हेल्प करता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर, इंटरनेट आर्किटेक्चर का बेसिक क्या है, सर्विस ऑन इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड वेब तो बहुत एक तरह से फेमस है, और वेबसाइट्स तो हम लोग जो डेली कुछ सर्च करते हैं तो कुछ सर्च करके अगर कुछ खोलते हैं तो वो एक वेबसाइट हुआ। कम्युनिकेशन और इंटरनेट, हम लोग जो बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, टेलीग्राम पे बात करते हैं, स्काइप पे बात करते हैं, मेल पे बात करते हैं, ये सब
कम्युनिकेशन हुआ एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ हैं जो कि हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि इंटरनेट, www, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर्स, कॉन्सेप्ट एंड डिस्क्रिप्शन। कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्शन दोनों इसमें दिया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर। कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर होस्ट कंप्यूटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इंक्लूड लैन, वैन एंड मैन। यानी कि यहाँ यही बोल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो दो और मोर, मतलब दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स का आपस में कनेक्शन होता है, और ये जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि लैन, वैन, मैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क, एक्सेट्रा, मतलब और भी दो तीन टाइप के होते हैं। इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल नेटवर्क, यानी कि सारा नेटवर्क जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट है, कुछ भी चीज देखते हैं तो इंटरनेट के थ्रू देखते हैं। विदाउट इंटरनेट हम लोग ना ही किसी को मैसेज कर सकते हैं, ना ही किसी से चैट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इंटरनेट एक्ट एज ए कैरियर फॉर न्यूमरस डाइवर्स सर्विसेज। यानी यही बोल रहा है कि इंटरनेट जो एक्ट करता है बहुत सारे डाइवर्स, यानी कि बहुत सारे सर्विसेज का, डिफरेंट मतलब बहुत सारे सर्विसेज का एक तरह से ये इंटरनेट जो है कैरियर की तरह एक्ट करता है। ईच विथ अस, ईच विथ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर एंड पर्पस। हर कोई का अपना अलग अलग फीचर और पर्पस होता है। कम्युनिकेशन कैन हैपेंस थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग ईमेल, इंटरनेट रिप्ले, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस। कम्युनिकेशन जो है वो जो है इंटरनेट के थ्रू होता है, ईमेल का यूज करके, इंटरनेट रिले चैट का यूज करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज करके, ऑडियो कॉन्फ्रेंस का यूज करके, और बहुत सारे चीज़ें जिसका कि हम यूज करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। We shall learn how to use functions and charts in Microsoft Excel using formulas like addition, subtraction, multiplication, division. हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत जगह construction होता है, तो बहुत जगह bridge बनता है, तो बहुत graph किसी चीज़ का बनता है, कोई किसी चीज़ का survey होता है। तो इस सारी चीज़ में mainly जो एक तरह से देखा जाए तो MS Excel का बहुत major role होता है। MS Excel एडिशन करने में हेल्प करता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये एक चार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी चीज़ का। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब आगे देखते हैं। अ चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा। चार्ट जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्कशीट डाटा का। चार्ट कैन मेक डाटा इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव एंड ईजी टू रीड एंड इवेलुएट। यानी कि यही समझ लीजिए कि उसको जो चार्ट है वो डाटा को जो है अट्रैक्टिव बनाता है। यानी कि किसी भी आदमी अगर एक बार उसको देख ले तो उसको लगे एक बार कि हाँ भाई साहब बनाया तो बहुत अच्छा है, उसको इजीली जो होता है रीड करवा देता है। यानी कि जो चार्ट होता है वो पढ़ने में आसानी कर देता है, जैसे कि ये चीज़ है, ये सब ये है, तो वो चार्ट जो है वो आसानी कर देता है पढ़ने में भी। दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू एनालाइज एंड कंपेयर द डाटा। यहाँ यही बोल रहा है क्या कि चार्ट जो है वो समझने और कंपेयर करने में भी, डाटा को समझने और डाटा को कंपेयर करने में भी काम आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, www और सिंपल वेब, सामान्यतर वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब भी कह सकते हैं। इज द नेम गिवन टू ऑल रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट। यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है जितना भी इंटरनेट का रिसोर्सेज है उसका नाम है, यानी कि जितना भी है रिसोर्स इंटरनेट में सारा वर्ल्ड वाइड वेब है। द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम विच वी कैन यू एसेस
वेब इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। हम लोग जो अपने कंप्यूटर में, अपने फोन में, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर, स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूज करते हैं, जो कि हम लोग को वेब खोलने में काम आता है, वेब यूज करने में काम आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्या कि जो चीज हमको, हम लोगों को कंप्यूटर में वेब को एक्सेस करने में काम आता है, उसको हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेब ब्राउजर, इसको हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं। अब आते हैं सर्च इंजन पे। सर्च इंजन इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू सर्च फॉर कंटेंट ऑन द वेब। इट डिस्प्लेज मल्टीपल वेब पेजेस बेस्ड ऑन द कंटेंट और अ वर्ड यू हैव टाइप। यानी कि यहाँ यही बोल रहा है क्या कि सर्च इंजन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको सर्च करने, वेब पेज है आपको सर्च करने को अलाउ करता है। ये डिस्प्ले करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस जो कि कंटेंट है आपका, उसका उससे रिलेटेड वो शो करता है जो आपने टाइप किया है। जैसे आपने टाइप किया कि लायन, तो वहाँ पे लायन का डिफरेंट वेबसाइट फ़ोटो वाला दे देगा कि ये लायन का ऐसा फ़ोटो होता है, वाइट लायन का ऐसा होता है, ब्लैक लायन का ऐसा होता है, अफ्रीकन लायन का ऐसा होता है। तो ये एक तरह से सर्च इंजन पे हम लोग इस तरह का होता है। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, सर्च इंजन इज एन एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू सर्च फॉर कंटेंट ऑन द वेब। इट डिस्प्लेज मल्टीपल वेब पेजेस बेस्ड ऑन द कंटेंट और वर्ड यू हैव टाइप। यानी यहाँ यही बोला, सर्च इंजन जो है आपको अलाउ करता है फॉर कंटेंट ऑन द वेब, वेब का जो कंटेंट है सर्च करने में, सर्च कंटेंट ऑन वेब यूजिंग द डिफरेंट टाइप का स्टेजेस होता है। यानी कि डिफरेंट टाइप से हम लोग जो है उसको यूज कर सकते हैं, उसका जो निकला है वेब का उसको हम यूज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू एसेस अ वेब पेज लाइक URL, हाइपरलिंक, यूजिंग नेविगेशन टूल्स, सर्च इंजन एक्सेट्रा। यानी कि यही दिया भाई, बहुत सारा वेज है, एक दून है बहुत, जो कि URL, जैसे कि URL वेब पेज को ऑपरेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारा चीज़ है। जैसे URL हुआ, हाइपरलिंक हुआ, यूजिंग नेविगेशन टूल्स हुआ, सर्च इंजन हुआ, बहुत एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन थ्रू इंटरनेट। यानी कि यही बोल रहा है क्या कि जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक तरह से यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है क्या कि कम्युनिकेशन जो होता है रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन थ्रू इंटरनेट। यानी कि इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन आइडिया जो पर्सन जो है जो इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एक तरह से कम्युनिकेशन। इंटरनेट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशन विच कैन बी डन यूजिंग मेल, चैट, स्काइप। यानी कि यही बोला जा रहा है यहाँ पे क्या कि इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करता है क्या चीज़, बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का बेसिस कैसे, मेल को यूज करके, चैट को यूज करके, स्काइप को यूज करके, एक्सेट्रा, बहुत सारा है। वाइल डीलिंग विद ऑफिशियल मैटर्स, यानी कि जो ऑफिस में काम होता है, जैसे आप सिविल इंजीनियर आप लाइफ में बनिएगा, आप ऑफिस में जाइएगा, ऑफिस में काम कीजिएगा, तो वहाँ आपको जो है इंटरनेट के थ्रू ही सारा काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मैसेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वेब पेजेस, ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल्स ये सब एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, मैसेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट सेंड करने में, लेने में, इस सब में काम करता है। इस टॉपिक में हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे ईमेल के बारे में, थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली ईमेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ कुछ सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। इट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल, व्हाट इज इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में आखिरकार डिफरेंस क्या है? तो इंटरनेट सिंपली जानिए कि इंटरनेट एक ये हुआ, इंटरनेट बहुत सारे जगह पूरा दुनिया में फैला हुआ है, और इंट्रानेट हुआ कि एक ऑफिस है उसके अंदर बहुत सारा वर्कर काम कर रहा है कंप्यूटर पे, तो वो जो उसका जो नेटवर्क हुआ ना अपना, वो हो गया इंट्रानेट। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इंटरनेट और इंट्रानेट होता क्या है। तो इट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम है, यानी कि पूरा दुनिया में फैला हुआ ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड है। इट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, अरे भैया इट यूज मतलब ये यूज करता है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस हम लोग का जो यूज करता है, जैसे कि अब कोई किसी के कंप्यूटर का लोकेशन जानना है, हम उसके आईपी एड्रेस से कंप्यूटर का लोकेशन जान सकते हैं इंटरनेट पे। वो आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, सबका एक अपना अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है, किसी का दुनिया में आईपी एड्रेस मैच नहीं करता है किसी का नहीं। हर एक कंप्यूटर का, हर एक कंप्यूटर यूजर का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम लोग जो है कंप्यूटर का लोकेशन जान सकते हैं। स्पेशल कंप्यूटर DNS, डोमेन नेम सर्वर, इज यूज टू प्रोवाइड नेम टू आईपी एड्रेस, यानी कि एक स्पेशल कंप्यूटर जो कि डोमेन नेम सर्वर है, वो यूज किया जाता है आईपी एड्रेस का नाम देने में। सो द यूजर कैन लोकेट बाय कंप्यूटर बाय नेम, यानी कि जो यूजर है उसको हम लोकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, नेम उसका नेम डाल के। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जांपल, अब इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है तो उसको भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। और DNS सर्वर विल रिजॉल्व अ नेम टू अ पार्टिकुलर आईपी एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन विच दिस वेबसाइट इज होस्टेड, यानी कि यही बोल रहा है कि DNS सर्वर जो है ना वो यही बताता है कि किस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, किस वेबसाइट को चला रहा है। ठीक, अब हम लोग आइए देखते हैं थोड़ा सा इंट्रानेट के बारे में। तो भैया इंट्रानेट जो है ये एक तरह से कंप्यूटर इंटरनेट से मिलता जुलता भी है और इंटरनेट से थोड़ा अलग भी है। तो यानी कि एक तरह से कहिए कि इंटरनेट का कजन ब्रदर है, कजन है इंटरनेट का ये। इंटरनेट जो है इंट्रानेट से एक सेम है, लेकिन इसमें कुछ इंट्रानेट में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है इंटरनेट से, तो आइए देखते हैं। इंट्रानेट इज द सिस्टम इन विच मल्टीपल पीसी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यहाँ पे यह भी बोला है क्या कि इंट्रानेट भी जो है मल्टीपल सिटी मतलब बहुत सारे पीसीज को आपस में कनेक्ट करता है। पीसी इन इंट्रानेट आर नॉट अवेलेबल टू द वर्ल्ड आउटसाइड द इंट्रानेट, जो कि यहाँ बोल रहा है कि पीसी जो है, जो इंट्रानेट में पीसी है वो अवेलेबल नहीं होता है, मतलब कि एक इंट्रानेट का पीसी दूसरे इंट्रानेट के पीसी से कनेक्ट नहीं हो सकता है। यानी यूजुअली ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट ऑन इंट्रानेट नेटवर्क एंड द मेंबर्स एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस द कंप्यूटर इन देयर इंट्रानेट, यहाँ यही बोला जा रहा है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक अलग इंट्रानेट रखता है, उसका जितना वर्कर है ना, जितना एम्प्लॉय है, सब उस इंट्रानेट को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये बोल सकता है ना कि हर एक कंपनी, हर एक फैक्ट्री, हर एक MNC का, मल्टीनेशनल कंपनी का एक अपना अलग से इंट्रानेट होता है।
Each computer in intranet is also identified by using IP address, which can unique among the computers in the intranet. यही बोल रहा है कि हर एक कंप्यूटर जो है इंटरनेट में वो आइडेंटिफाइड कैसे किया जाता है, वो भी आईपी एड्रेस के थ्रू किया जाता है, जो कि अपने आप में एक यूनिक होता है, यूनिक नंबर होता है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज दिया हुआ है इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में, यानी समानता इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में। तो हम लोग आइए देखते हैं इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज TCP, इंटरनेट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सच एज TCP, IP एंड FTP। तो यानी यही बोल रहा है कि इंटरनेट जो है वो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है, जैसे कि इंटरनेट TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड FTP। इंटरनेट साइट्स आर एक्सेसिबल वाय द ब्राउजर इन सिमिलर वेज एज वेबसाइट इन द इंटरनेट। यानी कि यही बोला है जैसे हम लोग इंटरनेट में जो है वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, वैसे हम इंटरनेट में भी कर सकते हैं। तो इंटरनेट में खाली एक ही चीज़ हुआ कि जो उसका मेंबर है ना, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है, सिर्फ उसी का आदमी उसको कर सकता है एक्सेस। ठीक, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट। तो अब यहाँ पे असमानता इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में दिया हुआ, तो बताते हैं आप लोगों को। इंटरनेट इज जनरल टू PCs ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर एज इंटरनेट इज स्पेसिफिक टू फ्यू PCs। यानी यही बोल रहा है कि इंटरनेट जो है जनरल है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी जो है एंड्रॉयड फ़ोन जनरल हो गया है और आईफोन रेयर है, तो वही हुआ यहाँ पे कि इंटरनेट जनरल हो चुका है और इंटरनेट रेयर है, मतलब है लेकिन बहुत कम है। इंटरनेट प्रोवाइड्स अ वाइडर एंड बेटर एक्सेस टू वेबसाइट टू लार्ज पॉपुलेशन, वेयर एज इंटरनेट इज रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ यही बोल रहा है क्या कि इंटरनेट जो है एक लार्ज प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है कोई भी चीज़ के लिए, और इंटरनेट एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है। तो अब यहाँ पे इंटरनेट कैसा टाइप का लार्ज प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, तो जैसे कि कोई चीज़ हमको देखना है, कोई चीज़ सर्च करना है, तो उसके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा वैरायटी में, बहुत ज़्यादा इतना है कि आप गिन नहीं पाइएगा, इतना ज़्यादा है इंटरनेट पे। अरे भैया इतना पता रखिए ना क्या कि जितना हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, जितना एक नॉर्मल आदमी इंटरनेट यूज करता है, वो सिर्फ इंटरनेट का 5-10% है, और 90-95% तो डार्क वेब में है वो। तो यही चीज हुआ, इंटरनेट इज नॉट एज सेफ एज इंटरनेट। इंटरनेट में खाली एक ही को खराबी है कि वो इंटरनेट की तरह सिक्योरिटी नहीं दे पाता है। इंटरनेट का सिक्योरिटी ज़बरदस्त रहता है, जैसे कि सुने होंगे ना कि किसी भी बैंक का सर्वर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत मस्त सिक्योरिटी देता है, तो उसका एक अपना इंटरनेट है, अपना एक नेटवर्क है, इसीलिए उसका ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम मतलब सारे चीज़ का एक तरह से बोल सकते हैं कि इंटरफेस, मतलब सारे चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा माइंड में याद रखिएगा, शायद एग्जाम सब में काम आ जाए। तो आइए देखते हैं उसके आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस अबाउट वेब ब्राउजर एंड द रिसोर्स and resource required to have internet facilities। यानी यही बोल रहा है यहाँ, वेब ब्राउज़र और रिसोर्स जो है उसको जो रिक्वायर्ड होता है इंटरनेट फैसिलिटी में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना। तो आइए पढ़ते हैं। अ वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू लोकेट एसेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। यानी वेब ब्राउज़र वही है जो कि
एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर जो है, जो आदमी यूज कर रहा है, जो पर्सन यूज कर रहा है, वो उसको लोकेट एसेस और डिस्प्ले करता है, क्या मतलब दिखाता है वेब पेजेस को, मतलब वेब बहुत सारे वेब पेजेस को, जैसे हम कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो उसमें आ जाता है वेदांतु का, तो उसमें आ जाता है टॉपर्स का, तो उसमें आ जाता है ब्रेनली का, तो ये सब जो है एक तरह से अपना वेब पेजेस बना के रखा है, जिससे कि ये हम लोग को डिस्प्ले करता है कौन, तो हम लोग को वेब ब्राउजर डिस्प्ले करता है। इन कॉमन यूजेज मतलब साधारण तरीके में अगर हम लोग देखें, यूजुअली हम लोग देखें तो वेब ब्राउजर इज यूजुअली शॉर्टहैंड टू ब्राउजर, मतलब अब वेब ब्राउजर जो है उसको अब हम ब्राउजर कहते हैं, ठीक। ब्राउजर आर यूज primarily for displaying and accessing websites on the internet, मतलब ब्राउजर का एक एक काम है कि डिस्प्ले करना और डिस्प्ले और एसेस करना वेबसाइट को इंटरनेट पे, ठीक। एज वेल एज अनदर कंटेंट क्रिएटेड यूजिंग लैंग्वेजेस, और एक अनदर कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग लैंग्वेजेस, मतलब जो कंप्यूटर का लैंग्वेजेस है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML एंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML, ये दोनों लैंग्वेज से हम लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं वेब ब्राउजर पे। ब्राउजर ट्रांसलेट वेब पेज एंड वेबसाइट डिलीवर्ड यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP इनटू ह्यूमन रिलेबल कंटेंट, मतलब यहाँ बोल रहे ब्राउजर जो है वेब पेजेस को मतलब जैसे ब्राउजर है और ब्राउजर उसको क्या करता है वेब पेजेस को किसी भी आदमी को पढ़ने लायक बना देता है, यहाँ वही बताया जा रहा है। दिस ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू डिस्प्ले द अदर प्रोटोकॉल्स एंड प्रीफिक्स, यानी कि यहाँ यही बोला जा रहा है कि अदर प्रोटोकॉल्स एंड प्रीफिक्स के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं इसके थ्रू, सच एज सिक्योर HTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ईमेल हैंडलिंग एंड फाइल्स। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यू नीड टू फॉलो फोर थिंग्स, मतलब हम लोग को इंटरनेट में कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, हम लोग को कनेक्ट होने के लिए चार थिंग का जरूरत है। सबसे पहले एक कंप्यूटर, अ मोडम एंड अ टेलीफोन लाइन, यानी कि वही या तो मोडम जिसमें कि सिम लगता है और हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं तब हम लोग का इंटरनेट चलता है, या फिर वो ब्रॉडबैंड का तार जो अभी जियो फाइबर चल रहा है, एयरटेल फाइबर, वो और डाटा लाइन फॉर सम सॉर्ट, मतलब वही समझ लो उसी टाइप का। उसमें इंटरनेट ब्राउजर एंड अ सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट यू टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, तो इंटरनेट ब्राउजर या फिर एंड सॉफ्टवेयर भाई कि मोजिला फायरफॉक्स क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये चाहिए। एन अकाउंट विथ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सोविनियर्स, मतलब एक अकाउंट भी चाहिए। दिस थिंग्स वर्क टुगेदर इन द फॉलोइंग वेज, ये सारा अपने आप में एक साथ काम करता है जिसके कारण के हम लोग वेब। द कंप्यूटर इज इसेंशियल, कंप्यूटर एक बहुत ज़रूरी है, बिना कंप्यूटर का तो इंटरनेट देख ही नहीं सकते हैं, बिना फ़ोन का बिना कंप्यूटर का तो इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा बात आता है मोडम, द मोडम इज नेसेसरी इफ यू आर यूजिंग अ टेलीफोन लाइन टू एसेस द इंटरनेट, इट ट्रांसलेट्स द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर स्टॉक इन टू लैंग्वेज दैट कैन ट्रेवल अक्रॉस द फोन लाइन्स एंड वॉइस वर्सा, यानी कि यही बोल रहा है क्या कि मोडम नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर आप यूज कर रहे हैं टेलीफोन लाइन को एसेस द इंटरनेट, तो ये वो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेजेस टू कंप्यूटर टॉक इन टू अ लैंग्वेज दैट कैन ट्रेवल अक्रॉस, यानी कि वही कि वो जो है डाटा भेजता है अपने तार के थ्रू, मतलब अपने वायर के थ्रू, जिससे कि वो जो है कंप्यूटर जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। द ISP यर डिनोट्स टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज योर गेटवे टू द इंटरनेट, यानी कि एक तरह दरवाजा है इंटरनेट का ISP। इफ यू एसेस, अगर आप दरवाजा खोल लिए तो आप इंटरनेट में घुस गए, दरवाजा नहीं खोले तो इंटरनेट में नहीं घुसे। द ISP प्रोवाइड यू ईमेल एंड एसेस टू द इंटरनेट, यानी ISP आपको ईमेल प्रोवाइड करता है,
बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड करता है। इट डज दिस थ्रू थाउजेंड ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये सब जो किया जाता है ना, बहुत सारा इसमें पैसा खर्च होता है। ईमेल बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा, फिर कुछ कंप्यूटर बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि विच द एवरेज यूजर कांट अफोर्ड, जो कि हर एक यूजर जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो यू विल हैव एन अकाउंट विद ISP, आपका एक अकाउंट ISP के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ होना चाहिए। यू विल पे एक्स डॉलर पर मंथ इन रिटर्न फॉर एसेसिंग द इंटरनेट थ्रू ISP। आपको जो है कुछ डॉलर, एक्स डॉलर, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, वो पर मंथ आपको रिटर्न करना पड़ेगा एसेस करने के लिए ISP को। दिस अकाउंट विल कम विद अ यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट यू कैन लॉग ऑन द इंटरनेट। ये अकाउंट जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आता है, जो कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं। यू नीड टू लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट द इंटरनेट। आपको दो टाइप का, मतलब दो लॉट्स यानी दो सिप का सॉफ्टवेयर चाहिए इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। द फर्स्ट इज द सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट यू टू योर ISP। जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है वो आपको ISP से कनेक्ट करेगा। और दिस इज द डिफरेंट फॉर ईच ISP, वो हर एक ISP का अलग अलग होगा। सम ISP विल गिव यू अ डिस्क विद द कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर ऑन इट, अदर ISP विल यूज द कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर दैट कम्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95, OS 7, OS 8। दे विल गिव यू द सेटिंग टू पुट इन टू दिस सॉफ्टवेयर। द सेकेंड लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर यू नीड इन अ ब्राउजर, दूसरा लॉट जो है, दूसरा पार्ट जो है वो आप ब्राउजर में यूज कीजिएगा। ब्राउजर गो टू गेट वेब पेजेज एंड डिस्प्ले दैम ऑन योर कंप्यूटर। ब्राउजर जो है वो वेब पेजेस को हम लोग के कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है, दिखाता है। द टू मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज ब्राउजर आर नेटस्केप नेविगेटर एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी ये तो पुराना हो गया, अभी जो नया नया में है जैसे कि क्रोम, देखो बहुत फेमस है क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब फेमस है। दीज ब्राउजर्स ऑल्सो प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर फॉर ईमेल एंड टू रीड अनसेट न्यू ग्रुप्स। इफ़ यू हैव ब्राउजर दैट इज जस्ट अ ब्राउजर, यू विल ऑल्सो नीड सॉफ्टवेयर फॉर ईमेल फॉर रीडिंग न्यूज ग्रुप। यानी कि हाँ, यही बोल रहा है कि ये सब जो ब्राउजर है वो प्रोवाइड करता है ईमेल, मतलब सॉफ्टवेयर ईमेल के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। एंड जो अनसेट, जो सेट नहीं है यूजनेट न्यूज ग्रुप जो है उसको भी वो मतलब दिखाता है। यही बोला गया रेट जो है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।